आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती है, जिसे बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज सम्राट अशोक अभियांत्रिकी महाविद्यालय में कांग्रेस सेवा दल द्वारा उनकी जयंती मनाए जाने का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमित रघुवंशी, सेवा दल जिला अध्यक्ष के साथ साथ महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियंका किरार और अन्य कार्यकर्ता नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें याद किया गया। देख देश की सेवा के लिए तत्पर है। हम आज और हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं और दिन यही प्रेरणा लेते हैं आपस में एक दूसरे से कैसे मोहब्बत के साथ। हमें अध्यक्ष माननीय श्री मोहित रघुवंशी जी के नेतृत्व में आज हम सब लोगों ने हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, पुष्पांजलि अर्पित की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पूरे देश में बच्चों के बीच में चाचा नेहरू के रूप में पहचाने जाते थे और उन्होंने इस देश की प्रगति के लिए कई नए आयाम उस समय दिए जब वो प्रधानमंत्री थे। उन्हीं की भाई जब आज सीटीआई में नेहरू जी की जयंती के अवसर पर सभी लोग आए, आज क्या संदेश दिया? आज हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस है, उसको उनका स्टेचू हमारे एसडीआई कॉलेज में, जब एसडीआई कॉलेज बना था उसके बाद उन्होंने ही इसका शिलान्यास किया था, तो उनकी याद में यहाँ पे एक स्टेचू कांग्रेस के शासनकाल में लगा है। हम सब लोग कांग्रेस परिवार के साथ ही आज उनके स्टेचू पर आकर उनको नमन करने के लिए आज उनके जन्मदिवस पर उपस्थित हुए थे। सेवा दल के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समस्त कांग्रेस परिवार के साथ ही गण उपस्थित थे। मैडम आज नेहरू जी के जन्मदिन पर अवसर पर क्या संदेश देना चाहती है? हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती के अवसर पर आज जिला कांग्रेस के नेतृत्व में हमने यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज देखा गया है कि हमारे चाचा नेहरू के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी पहचाने जाते थे और सभी स्कूल कॉलेजों में चाचा नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था और बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस निकम्मी सरकार द्वारा हमारे जो कांग्रेस के पूर्वज हैं और जिनके नाम से कई बड़े बड़े संस्थान इस मध्य प्रदेश में और देश में बने हुए हैं, बाल दिवस जहां हमने देखा है आज स्कूलों में बंद होने की कगार पे, हमारा सरकार से मांग है कि बाल दिवस जो लगातार वर्षों से स्कूलों में संचालित होता आ रहा था और हमारे पूर्व भारत जो आजादी की लड़ाई में जो नेता हमारे शामिल थे उनकी स्कूलों में भी सब्जेक्ट में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, आज उससे दूर किया जा रहा है। हम इसका यहाँ विरोध भी करते हैं। भैया आज नेहरू जी के जन्म उत्सव के अवसर पर क्या संदेश भेजना है? हम आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर उनको नमन करते हैं और हमने आज माल्यार्पण किया। जिलाध्यक्ष हमारा पूरा कांग्रेस परिवार था। मैं आज देश में सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो नेहरू जी ने उस टाइम बलिदान दिया, वो चाहते तो बाहर भी रह सकते थे लेकिन उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए सहूलियत के लिए जेल भी गए, सब कुछ करा। तो मेरी तो प्रेरणा ये है कि सभी लोग भाईचारे से रहें, मिलकर रहें, नफरत की राजनीति में ना पड़ें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।